आज हम लोग अनुपात का प्रश्न जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे आज इसका अंतिम अध्याय हो जाए। कल समानुपात पढ़ने के बाद ये अध्याय खत्म भी कर दिया जाएगा, उसके बाद आगे और हम लोग लगातार पढ़ते भी रहेंगे। तो आज अनुपात में कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाता है। एक क्वेश्चन लिखेगा कि एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना रखा जाए। जितना आप कह रहे हैं, जैसे 5:2, एक मैदान के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि लंबाई 35 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी। इस तरह के प्रश्न का हम लोगों ने सॉल्व किया था। रिवीजन करने के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमने क्वेश्चन दिया एक खेत के आयताकार खेत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि लंबाई 35 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी, ठीक, या खेत का परिमाप क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, ठीक। तो हम ये जानते हैं कि लेंथ बटा ब्रीथ इज इक्वल टू 5/3, इसका कोई रोल नहीं है। अब फिर हो जाएगा ये 35/ माना चौड़ाई x है, यह लंबाई बटे चौड़ाई बराबर लंबाई बटे चौड़ाई, चौड़ाई नहीं दिया, चौड़ाई x है। या तो त्रिया का गुणा कर लीजिए या डिवाइड कर दीजिए। त्रिया गुणा करेंगे तो 5x बराबर 3×35, x बराबर 35/5 काटेंगे 7, x बराबर 7, जबकि अच्छा सॉरी दो है सॉरी यहाँ पे दो है तो 35 यहाँ पे दो 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 है तो यहाँ पे बूढ़े दो भी होगा, बूढ़े दो तो बूढ़े दो बराबर 24। ध्यान दीजिएगा 5/2 मारे 5:2 बराबर 35/x, x गुणा करेंगे तो 5x 35 × 70, तो 35/2 ही कर देते हैं डायरेक्ट, 35/2, 5 × 5 = 35, x बराबर 7/2 = 14। अब खेत का परिमाप पूछेगा तो परिमाप का पर आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल पूछेगा लेंथ इंटू ब्रेथ माने 35/14 मीटर स्क्वायर, जो भी गुणा करने पर आएगा, ठीक। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। और अगर किसी की मिश्रण का अगर अनुपात दिया गया हो और अलग अलग मिश्रण निकालना हो तो कैसे क्या करेंगे। चलिए लिखिएगा, इसको रेस करते हैं फिर क्वेश्चन में बोलते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बालू, चीनी और लोहे के मिश्रण का जो अनुपात था वो अनुपात कितना था। 3 ठीक है। यदि मिश्रण का कुल वेट 196 किग्रा है तो लोहा, चीनी या बालू, किसी की माप बताइए या वेट बताइए, भार बताइए, किसी का, या तीनों क्रम से माप बताइए, या पूछ दिया चीनी का पूछ दिया, तो क्या कैसे। तो कल हमने बताया था इस क्वेश्चन को लगाते समय कि सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपाती योग ज्ञात करेंगे, सम ऑफ द रेशियो। अनुपाती योग जब ज्ञात करेंगे 4, 7, 4, 11, 3, 14 अनुपाती योग 14, दिए गए अनुपात के कुल अनुपात में क्या करेंगे, अनुपाती योग से भाग देंगे। भाग किसमें देंगे, ये 196 बटे एक अनुपाती योग से भाग देंगे गुणे। अगर हमें बालू निकालना है, क्या निकालना है, बालू, तो बालू का अनुपात से गुणा करेंगे 4। यदि चीनी निकालना है तो 196/14 गुणे चीनी का अनुपात। यदि लोहा निकालना है तो 196/14 गुणे 3 माने पहले बालू निकलेगा, फिर चीनी निकलेगा, फिर लोहा निकलेगा, तो 14 काटेंगे 14, तो फिर हो जाएगा 14×4 बराबर 56 kg। क्या है, बालू 56 kg बालू है। और चीनी की बात करेंगे भी आएगा 14, 14×7 98 kg
क्या निकल गया आपका? चीनी निकल गया। क्या निकल गया? चीनी। लोहा निकालना है, ये 14 × 3 कितना हो जाएगा? 42। इस प्रकार क्या देखिए, थोड़ा सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहे, अभी और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न कठिन होते चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्रम से हम बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये समझ में आपको आ गया, हमने क्या दिया कि एक बालू चीनी लोहे के मिश्रण में, लोहे का जो इनका मिश्रण जो था वो 4 × 7 × 3 क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चमक रहा है 3, 4 × 7 × 3 कितना है? 4 × 7 × 3 के अनुपात में। यदि इस मिश्रण का कुल वजन 196 किलोग्राम हो तो चीनी बताइए, चीनी पूछा है तो पहले कुल अनुपात योग निकालेंगे, अनुपात योग से चीनी में भाग देंगे, 196 कुल अनुपात योग से भाग देंगे गुणे चीनी का अनुपात से गुणा करें, चीनी का अनुपात 7 × 7 तो 98 kg चीनी। ठीक, 1 kg ठीक, तो जिसका पूछेगा उससे अनुपात से गुणा कर देंगे, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा सरल से टफ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप परेशान ना होइएगा सर, इस टाइप का क्वेश्चन बताया कि जैसे मैंने जो नोट्स बनाया है आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए, या जिनको के नोट्स चाहिए वो भी इसी क्रम में हमने बनाए हैं। ठीक, और ऑनलाइन क्लास और नोट्स भी उपलब्ध है जैसा कि आपको पता ही है, अगर आपको जरूरत लगती है, अगर कहीं ना कहीं से लेना है, कहीं ना कहीं से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन ही करेंगे, यदि आपको लगता है मेरे यहाँ बेहतर है तो मोस्ट वेलकम, वरना आप तो स्वतंत्र नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, हो गया था ना, इसकी शॉर्ट रख लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन एक टाइप का और लगाते हैं, जैसे अगर कभी कभी देता है कि दूध और पानी का मिश्रण में अगर दूध मिला लें, पानी मिला दें, पानी निकाल लें, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाना है? चलिए लिखते हैं कि दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 × 1 है, 4 × 1 है। यदि मिश्रण का कुल वजन या कुल मिश्रण 30 लीटर हो तो दूध और पानी अलग अलग कितना है, या इस मिश्रण में दूध कितना है, इस मिश्रण में पानी कितना है, तो कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन, पहले अनुपाती योग से कुल पद में भाग देंगे, अनुपाती योग कितना आएगा तो आप सीख गए होंगे पूरी तरह से, अनुपाती योग 5 होगा, तो कुल पद कितना है 30, अनुपाती योग कितना है 5, अगर दूध निकालना है किससे गुणा करेंगे, दूध के अनुपात से दूध का अनुपात 4 × 4 क्या निकलेगा, मिल्क, कैसे निकलेगा, डिवाइड करेंगे 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 24, 6 × 4 = 24 लीटर, मान इस मिश्रण में दूध कितना है 24 लीटर। अब क्या निकालना है, पानी निकाल लिया, पानी कैसे निकालेंगे, कुल मिश्रण का वजन कितना है 30 लीटर, अनुपाती योग 5, निकालना क्या है, पानी का अनुपात कितना है 1 गुणा किसे करेंगे, पानी का अनुपात जिसका निकालना गुणे 5 × 6 = 3 कितना है 6 लीटर। इस प्रश्न को लिख लीजिए, इसी प्रश्न को और आगे बनाएंगे और आगे आपको पढ़ाएंगे, अगर इस प्रश्न को और आगे पढ़ाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप समझ लीजिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसके बाद इसी आधार पर क्वेश्चन को हम और आगे बना रहे हैं। ठीक, इसको आप लिख लीजिए तब तक, हाँ कमेंट का जवाब आपका लास्ट में देंगे, अभी आप चैट पर लिख दीजिए जो भी उत्तर आ रहे हैं, हम बाद में कमेंट करिएगा तो फिर उसका जवाब हम देते रहेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ये तब तक हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बोल देते हैं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसी में जो भी तो लगा रहे हैं काफ़ी कलर लेकर बैठेंगे उसका जवाब दीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9 × 2 है, 9 × 2 है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9 × 2 है। यदि कुल मिश्रण 132 लीटर है तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 9 × 2 है, यदि उस मिश्रण का कुल वजन वह मिश्रण कुल 132 लीटर हो तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ही हम आगे सॉल्व करते हैं, या इसी क्वेश्चन में अगर और आगे अगर हम लोग को तो लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे उसको भी समझने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक, ताकि जैसे आप जब लगाएं तो आपको समस्या ना हो, इसी क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं उसको। समझ आ रहा है आपको? हाँ नहीं आ रहा है? आ रहा है,
चलिए, कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान, एक क्वेश्चन को मैं आगे लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा आप इस क्वेश्चन को, हाँ मैं लगाऊंगा इसको। दूध या दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यदि उस मिश्रण में कितना पानी, 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए, या 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण माने दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम, 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो सेम प्रोसेस इतना लगा लेंगे, क्या करेंगे, 30 लीटर मिश्रण में अनुपात कितना है, 4:1 का, कितने का, 4:1 का। अब दोनों को अलग अलग कैसे निकालेंगे, कुल योग में अनुपाती योग से भाग देंगे, जिसका अनुपात निकालना है उससे गुणा करेंगे, कुल अनुपाती योग 5, मिश्रण 30, इसमें 5 से भाग देंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से क्यों, फिर निकालेंगे दूध, निकालेंगे दूध निकला 24 लीटर, इसी तरह पानी निकालेंगे, पानी 6 लीटर। अब क्वेश्चन को आगे लगाते हैं, क्या रहा है इसमें 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए, माने इस समय दूध और पानी का जो अनुपात रेट है वो 24 लीटर दूध और 6 लीटर पानी है, कह रहा है इसमें 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो अब नया अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या था, 24 लीटर और 6 लीटर थे, अब जब पानी मिलाएंगे तो पानी में पानी बढ़ गया, अब क्या बढ़ेगा, 6 लीटर पानी बढ़ गया, क्या किया, 6 लीटर पानी बढ़ गया, अब नया अनुपात 24/12 हो गया, कितना हो गया, 24/12, तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 24 = 12, 2:1। अब जो मिश्रण का नया अनुपात होगा वो होगा 2:1। क्वेश्चन को प्रश्न समझ लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो, 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। पहले अलग अलग मात्रा निकाल लेते हैं, 24 लीटर दूध, 6 लीटर पानी निकल गया, अब पानी में पानी मिला देते हैं, कितना, 6 लीटर दूध बटे पानी, पानी पानी मिला दिया, 6 + 6 = 24/12 काट दिया, 2:1 = 2:1, तो जो नया अनुपात निकला वो 2:1 का अनुपात निकला। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन हम और बता बोल रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे ना, लिखिए 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, यदि इस मिश्रण में, इस मिश्रण में, इस मिश्रण में 4 लीटर दूध और मिला दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 4 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान, पहले दोनों की मात्रा अलग अलग निकाल लेंगे, फिर दूध बटे पानी लिखेंगे, दूध में दूध मिला देंगे, फिर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, जो अनुपात प्राप्त होगा वही प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, हम और आगे बढ़ रहे हैं, इसको लगा लीजिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दे दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो लिंक को सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हमसे वो भी जुड़े और जुड़कर मेरे साथ पढ़ना प्रारंभ कर दे। और हाँ, इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी ऐसा नहीं कि वीडियो ही खत्म हो जाएगा, अभी तो काफ़ी पढ़ना है बहुत ज़्यादा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ने से पहले मैं बात आपको बता दूँ, मेरे यहाँ ऑनलाइन सीटेट रिपीटेड सुपर टेट के ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन नोट्स, PDF नोट्स और घर पे पोस्ट भी नोट्स हो रहे हैं, यदि आपको इसी जरूरत लगती है तो आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे, किसी न किसी कोचिंग में दाखिला लेंगे ही लेंगे, तो अगर हो सकता है मेरे यहाँ से अगर आपको बेहतर लगता है आपका मोस्ट वेलकम, उसके लिए 6306344367
पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके जाकर दे सकते हैं, फेसबुक पेज पे एलेनी बिदुर्गेश या टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके एलेनी बिदुर्गेश पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, काफ़ी नोट्स आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न को हम एक अन्य तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, पानी पीने सकते हैं। तो पढ़ते हैं तो पूरा चिल्लाना पड़ता है, तभी कहते हैं वीडियो को शेयर कर दिया करिए। शेयर करने के इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जैसे आप तक हम पहुँचे हैं, तो अगर आपको लग रहा है बेहतर है, नहीं ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं सर किसी के काम की वीडियो, तो शेयर कर दीजिए। और ऐसे अन्य मटेरियल आता हम लोग शेयर करते ही हैं, तो हो सकता है किसी के फायदा हो जाए, किसी का लाभ हो जाए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि 30 लीटर, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं ताकि घुमा घुमा ताकि एकदम सीख लें। 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। उस मिश्रण में कितना पानी और मिला दे, कितना पानी और मिला दे कि अब नया अनुपात 2:1 हो जाए, कितना हो जाए 2:1 हो जाए। प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, उस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दे, कितना लीटर पानी और मिला दे कि दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाए। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करने के लिए पहले तो दूध और पानी की मात्रा अलग ही निकालते थे, जैसे वैसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, सबसे बढ़िया कह रहा है कि उसमें 24 लीटर दूध 6 लीटर पानी, ये तो निकालना होगा आपको, ये इसलिए मैंने कई बार बता दिया। अब आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, कुल मिश्रण में अनुपात योग से भाग देंगे, जिसका अनुपात पूछे तो उससे गुणा कर देंगे, उसकी यूनिट अपने आप निकल जाएगी। अब कह रहा है लिखेंगे मिल्क बटे वाटर, दूध बटे पानी बराबर, दूध बटे पानी हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि उसमें 24 लीटर दूध और 6 लीटर पानी था, कह रहा है उसमें कुछ पानी और मिला देगा, माना मिलाए जाने पानी कितनी थी, यक्ष थी, मिलाए जाने वाला पानी कितना था, यक्ष लीटर था। अब जो नया अनुपात होता है तो 2:1 माने 2:1 हो जाता है। अब त्रिया का गुणा कर देंगे, हम त्रिया का गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये 24 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 6 × 12 प्लस 2x 12 इधर आएगा, तो 24 − 12 बराबर 2x, तो फिर हम मिल गया, हमें क्या मिल गया, 24 × 12 गया 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, x बराबर 6 लीटर। तो पानी मिलाए जाने वाली जो मात्रा थी वो कितनी थी, 6 लीटर थी। ठीक, तो इस प्रकार हमने अनुपात से संबंधित इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। बाकी अन्य तरह के जो प्रश्न मिलेंगे आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन वो आपको देते हुए चल रहे हैं और आप प्रयास करेंगे कि आप उसे लगा भी लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया है पढ़ाया है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एक दो बार। बाकी किताब से जो आपके पास प्रश्न, आपके पास किताब होंगे तो किताब से प्रश्न लगाना शुरू करेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। हाँ, यदि इसमें किसी टाइप का प्रश्न छूटा हो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, मैं और आगे आपको बता देंगे। एक बार पुनः इस वीडियो लिंक आप सभी साथियों तक भेज दीजिएगा, क्योंकि आप टीचर बनने के लिए एकदम कगार पे खड़े हुए हैं, इसलिए आप पूरा मेहनत करिएगा, बेहतर दीजिएगा, सफल अब जरूर होंगे। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा एक बार, कोई समस्या हो तो कभी कोई पूछता कितना पानी और मिला है कि इतना, तो वही है, इस तरह के कई प्रश्न हैं, आप लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे। आपका समय बहुमूल्य, इसलिए आपका समय ज़्यादा लेना नहीं चाहते हम, तो अभी पढ़ने को लगातार पढ़ते रहिए, लेकिन फिर भी हमने आपको कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। सिक्कों पर प्रश्न होता है उसको पहले रुपया बदलते हैं, जैसे कहा कि किसी भी थैले में इतने अनुपात में पैसे हैं, जैसे 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के, 100 रुपया बदल के अनुपात रख दीजिए, लगाने के बाद कट करके भाग दे दिए, सबका पैसा अलग निकल जाएगा, तो बहुत ही आसान है। गणित आप घबराया मत करिएगा, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोर करने योग्य है, ठीक है, और हमारे साथ रहेंगे तो गणित का डर खत्म हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ये समझ में आ गया इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और ये नंबर ख्याल करिएगा, अगर आपके किसी भी साथी को आपको अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना हो, आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपके साथ भविष्य में काम आ सके। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा भैया, आपके पास 10-10 ग्रुप होंगे कम से कम व्हाट्सएप फेसबुक के, सब जगह पोस्ट कर दीजिए, तो हो सकता है किसी का भला हो जाए। भाई क्लासेस डेली आपको रेगुलर टाइम पे मिलेंगे, अभी तो आपके और सब्जेक्ट चलेंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या क्या आपको और जरूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन आप लगाएंगे, जैसे किसी अनुपात का योग दे दिया, इस तरह से अनुपात दे दिया कि ए अनुपात है, बी अनुपात है, सी का अनुपात 2:3, 4:5, 1:6,
तो उनका हिस्सा क्या होगा, हिस्सा का मतलब कोई रुपया दे देगा सीधे सी बात, पर इनको अनुपात में बदलेंगे। अनुपात बदलना आपको बताइए पहले, 2/3 2/3 / 4/5 / 6 इसे आप बदल लेंगे अनुपात में। अगर ये अनुपात दे दिया है 0.6 / 7/2 / 0.03 तो अनुपाती पदों में व्यक्त करिए, इसको भी व्यक्त कर सकते हैं आप। भैया पहले इसको भिन्न बदलिए, इसके बाद हर समान कर दीजिए, आराम से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हर समान कर देंगे, अंश का जो अनुपात होगा वही इसका उत्तर होगा। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और लेते हुए जा रहे हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:1 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा तथा ए अनुपात सी का मान होगा। एक क्वेश्चन और आपको देते हुए जा रहे हैं ताकि आप सॉल्व कर लीजिए, इसको हमने पढ़ाया हुआ है इसके पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2 तथा सी अनुपात बी बराबर 4:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें ए अनुपात डी का मान होगा, ये प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ने पढ़ा होगा और आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं लग पाएगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, वहाँ मैं इसको सॉल्व करके मैं उसको पीडीएफ या पेज इमेज डाल दूंगा। आप सर्च क्या करना है टेलीग्राम पर, दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करना है, फिर इन लर्निंग में दुर्गेश को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ मैं पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करा पाऊंगा और वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सारी तैयारी करने की सारी नोट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध है। इस तरह आपकी रेगुलर क्लासेज आपको इस तरह से मिलती रहेंगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं दुर्गेश सर के लिए बेहतर है, फैकल्टीज बेहतर है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए और आपको हम अध्यापक बनाने तक लगातार पढ़ाते रहेंगे, जब तक आप अंतिम रूप से अध्यापक नहीं बन जाते। कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं कहीं नहीं पढ़ेंगे, तो कोचिंग पढ़ने के लिए आप फीस पे ही करते हैं, तो एक ही बार फीस में एक ही फीस में आप पूरे जीवन काल तक पढ़ते हैं, जब तक अध्यापक नहीं हो जाते। जीवन काल मतलब अध्यापक होने तक खड़ा है आपको, और मैं प्रयास पूरा करूँगा इस आगामी जो भर्ती है उसमें आप अंतिम रूप से अध्यापक जरूर चयनित होंगे। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, मेहनत करिए, और हम और आप सब्जेक्ट के लिए आपको प्रेशराइज कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप और बेहतर कर सके, कि पेट क्लासेज की वजह से उनको वीडियोस देना पड़ जाता है, इसलिए यहाँ समय थोड़ी कम मिल पाती है। बस यही कितना बड़ा फैकल्टीज है, कहाँ से खर्च आएगा, तो आपको भी कुछ समझना चाहिए। तो बस इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं, इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका अगर नहीं लगेगा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया है इस तरह के प्रश्न कैसे लगेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो लिंक को सभी को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।